वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप के कंपनी लॉ में। तो पहला क्वेश्चन है कि वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी मे बी वॉलेंट्री, बिल्कुल ये पॉसिबल है। वॉलेंट्री सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, ये भी अलाउड है। एंड कंपल्सरी बाय द कोर्ट, जिसमें कुछ सर्कमस्टांसिस हैं अगर वो पूरे हो रहे हो तो उन ग्राउंड्स पर जो है वो कोर्ट की तरफ से कंपल्सरी भी हो सकती है। तो तीनों करेक्ट हैं, इसका मतलब है कि ऑल एनी ऑफ द अबव जो है उसको आंसर को हम करेक्ट कंसीडर करेंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन टू है कि अ कंपनी मे बी वाउंड अप बाय द कोर्ट इफ द कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। तो किस चीज पे है, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू कंजेक्टिव फाइनेंशियल ईयर्स। इसमें टाइम पीरियड ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स का पॉइंट भी ठीक है, लेकिन दोनों का एक साथ होना जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन ए कंप्लीट करेक्ट कंसीडर नहीं होगा। ऑप्शन बी है कि इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू कंजेक्टिव फाइनेंशियल ईयर्स। तो थ्री वाली बात तो वैसे ही गलत है क्योंकि टू ईयर्स का ही क्राइटेरिया है। सो द ओनली ऑप्शन दैट इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन थ्री देखते हैं। द प्रमोशन और द कैरिंग ऑन ऑफ एनी स्कीम और बिजनेस शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन अनलॉफुल एक्टिविटी। तो इनमें से कौन सी अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं समझी जाएगी। पहला है द स्कीम इन्वॉल्व रेजिंग एन अनऑथराइज डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, इंडल्जिंग इन रेफरल मार्केटिंग। तो ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है कि एक बंदा आगे तीन चार मेंबर बनाए और वो फिर आगे चार मेंबर बने, ये सारी इलीगल हैं, अनलॉफुल हैं। तो इन्हें पिरामिड या पोंजी स्कीम्स कहा जाता है, तो ये तो अनलॉफुल है। द स्कीम इन्वॉल्व रेजिंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक अगेंस्ट इशू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द पब्लिक आफ्टर ड्यू अप्रूवल ऑफ द प्रोस्पेक्टस। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नजर नहीं आ रही क्योंकि आप पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं और अगर आपने प्रॉपर प्रोस्पेक्टस के अप्रूवल के बाद ली हैं और सिक्योरिटीज इशू करके ली हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो पॉइंट बी जो है वो करेक्ट होगा, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। अ स्कीम वेयर बाय इन रिटर्न फॉर अ डिपॉजिट ऑफ अ सम ऑफ मनी इन कैश और बाय मीन्स ऑफ कूपन एनी राइट और बेनिफिट डिटरमाइंड बाय चांस, जैसे लॉटरी वगैरह होती है, तो ये भी अनलॉफुल है। अ स्कीम और एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी नोटिफाइड बाय द कमीशन टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और मॉरल हैजर्ड। तो जो चीज पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कमीशन ने कह दी या उसे मॉरल हैजर्ड कह दिया, वो तो डेफिनेटली अनलॉफुल है। तो बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो तो एक ऐसी एक्टिविटीज बता रहे हैं जो कि क्लियरली अनलॉफुल है। तो ऑप्शन बी जो है उसके अंदर प्रोसीजर भी प्रॉपरली जो है फॉलो हो रहा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन फोर है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अनएबल टू पे इट्स डेट इफ अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 5 मिलियन। अच्छा, इसमें जो रूल है वो ये है कि जो क्रेडिटर है उसके डेट 100,000 से अबव होना चाहिए और अबव होना चाहिए। तो इफ अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 5 मिलियन, तो ये 100,000 से ज्यादा है, ड्यूली मेड अ डिमांड रिक्वायरिंग द कंपनी टू पे द सम सो ड्यू एंड द कंपनी हैज फॉर 21 डेज देयर आफ्टर निगलेक्टेड टू पे स्क्योर और कंपाउंड द सम। अच्छा, जो कंपनी के पास टाइम लिमिट है वो 30 डेज। तो सेकेंड वाले ऑप्शन में दोनों चीजें ठीक हैं, थर्ड वाले ऑप्शन में दोनों चीजें गलत हैं, फोर्थ ऑप्शन में अमाउंट कम है, 75,000 देखें 100,000 से कम है, और 30 डेज ठीक है। तो द ओनली ऑप्शन जहां पर दोनों चीजें कंप्लीट सेंटेंस प्रॉपर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन फाइव देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ कंट्रीब्यूटरी शैल बी इंटाइटल टू प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो रिड्यूस्ड हो गए बिलो 3, तो पब्लिक कंपनी में 3 से कम हो जाएं, बिल्कुल ये एक क्राइटेरिया है। द शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज कंट्रीब्यूटरी हैव डिवॉल्व्ड ऑन हिम थ्रू द डेथ ऑफ अ फॉर्मर होल्डर, ये भी एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है। तो ये दोनों सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें वो
इंटाइटल्ड है कि वो वाइंडिंग अप की पिटीशन फाइल कर सकता है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन सिक्स है, द कमीशन शैल बी इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन। जनरल रिक्वायरमेंट तो ये है कि वो कंपनी की इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद उनके सामने कुछ इश्यूज आते हैं तो उन इश्यूज की बेस पर वो कर सकते हैं। लेकिन एक जो इसमें क्राइटेरिया है कि जहां पे कंपनी का सोल बिजनेस ही एक लाइसेंस एक्टिविटी हो और कंपनी का वो लाइसेंस रिवोक हो जाए, जो कि यहां पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो इस सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती और उसके बगैर ही कमीशन जो है वो वाइंडिंग अप की पिटीशन प्रेजेंट कर सकता है। तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, जो बाकी चीजें हैं जैसे कंपनी ऑथराइज नहीं कर रही, इन सब में ये जो ऑप्शन ए है, सी है और डी है, इन सब सिचुएशन में भी कमीशन जो है वो पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप तो जमा करवा सकता है, लेकिन इसमें विदाउट इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकता। पहले इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर पेटिशन फाइल होगी। तो ऑप्शन बी वो है जो कि विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन होगा, इसलिए ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन सेवन हम देखते हैं, अ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बाय द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू कमेंस, तो ये किस दिन समझी जाएगी? तो इसमें रूल ये है कि वाइंडिंग अप उस दिन समझी जाती है जिस दिन उसकी पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप होती है, तो कोई 7 30 डेज वाला रूल तो नहीं है और वाइंडिंग अप ऑर्डर के डेट से भी नहीं, बल्कि एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप उस दिन से समझा जाता है कि कंपनी की वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गई है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन एट है कि द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड स्टेट दैट द कंपनी शुड बी डिसॉल्व्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट एंड हैंडिंग इट ओवर टू रेलिवेंट अथॉरिटी। प्रोजेक्ट हैज रिसेंटली बीन कंप्लीटेड, बिकेम ऑपरेशनल एंड रेलिवेंट अथॉरिटीज हैव टेकन कंट्रोल ऑफ इट एंड इशूड अ सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड। यानी उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी दे दिया कि हाँ जी, हमें आपकी तरफ से जो ये प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट मिल गया और हमने इसका कंट्रोल हासिल कर लिया। इन ऑर्डर टू इफेक्ट वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड, अब इन्हें क्या करना पड़ेगा? तो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है इस सिचुएशन में वो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की। तो स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट वैसे अदरवाइज है, लेकिन जहां पे आपने पीरियड फिक्स किया हुआ हो या पर्पस फिक्स किया हो और वो चीज हो जाए, तो उस पर सिर्फ आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली बात भी गलत है, स्पेशल रेजोल्यूशन या कमीशन से अप्रूवल इन सब की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नाइन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो पहली है कि अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ मोर देन 3 कंपनीज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो 5 नहीं 3 होता है। फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज बाय द कोर्ट द कमीशन शैल मेंटेन अ पैनल ऑफ पर्सन फ्रॉम होम द कोर्ट शैल अपॉइंट अ प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी ऑर्डर टू बी वाउंड अप। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यही आंसर होगा, लेकिन बाकी में देखते हैं क्या मसला है। वेयर अ प्रोविजनल मैनेजर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ही शैल ऑलवेज हैव द सेम पावर एज अ लिक्विडेटर। ऑलवेज वाली बात गलत है। इसमें यह होता है कि कोर्ट चाहे तो उसको उसकी पावर्स को, प्रोविजनल मैनेजर की पावर को लिमिट या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, लेकिन अगर कोर्ट लिमिट या रिस्ट्रिक्ट नहीं करती फिर उसकी पावर सेम एज लिक्विडेटर होती है। ऑलवेज वाली बात गलत हो जाएगी। ऑप्शन डी है कि एन ऑफिशियल लिक्विडेटर मे रिजाइन और क्विट हिज ऑफिस बिफोर कंक्लूजन ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग बाय गिविंग 30 डेज नोटिस टू द कोर्ट। तो इनफैक्ट अलाउड नहीं है कि वो रिजाइन या क्विट करे। एक एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस हैं कि अगर उसकी डिसेबिलिटी अराइज हो जाए तो वो तब रिजाइन और क्विट कर सकता है, नोटिस देकर सिंपली वो रिजाइन या क्विट नहीं कर सकता। तो ऑप्शन बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। 10th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ प्रोविजनल मैनेजर वाज अपॉइंटेड ऑन 24th अक्टूबर 2021 एंड वाइंडिंग अप ऑर्डर वाज इशूड बाय द कोर्ट ऑन 3rd जनवरी 2022। फ्रॉम होम ही कैन नॉट रिक्वायर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन प्रेस्क्राइब फॉर्म। तो सबसे पहले है जी, इसमें जो रेलिवेंट डेट क्या होगी? रेलिवेंट डेट होगी जिस दिन वाइंडिंग अप ऑर्डर आया है। और लेकिन जहां पे प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हो जाता है तो वो प्रोविजनल मैनेजर की जो अपॉइंटमेंट है उसकी डेट को समझा जाता है। तो हम यहां पर समझेंगे 24th अक्टूबर। अगर प्रोविजनल मैनेजर की अपॉइंटमेंट ना होती तो फिर रेलिवेंट डेट होती वाइंडिंग अप ऑर्डर की।
तो अब जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसमें रेलिवेंट डेट 24 अक्टूबर होगी, और जो पास्ट के लोग होते हैं उनसे 1 ईयर तक में आप डाटा ले सकते हैं, 1 ईयर से जो ज़्यादा पुराने लोग होंगे उनसे नहीं ले सकते। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 24 अक्टूबर 2021 से 1 ईयर बैक चले जाएं तो दैट वुड बी 25 अक्टूबर 2020। तो जो ऑप्शन ए है यहाँ पर कि उनसे तो आप मांग सकते हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो 12 जनवरी को, ये तो 1 साल से भी कम टाइम हुआ, इनसे भी ले सकते हैं। सीनियर मैनेजर लॉजिस्टिक जो 18 फेब 2021 को है, इनसे भी रेलिवेंट डिटेल्स ले सकते हैं। और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हुज लास्ट डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी वाज 30th सितंबर 2020। तो यहाँ पर भी आंसर है कैन नॉट वाला, तो इनसे नहीं ले सकते क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया। तो हालांकि सीएफओ है, लेकिन सीएफओ होने के बावजूद क्योंकि मोर देन 1 ईयर का टाइम हो चुका है तो उनसे डिमांड नहीं की जा सकती। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे वाइंडिंग अप के ऊपर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।